जस्ट इमेजिन आप वेकेशन पर किसी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ के लोकल्स इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस या फिर इटली का कोई स्मॉल विलेज, एंड आपको उन लोगों की लैंग्वेज समझने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अनदर इमेजिनेशन, सपोज करो काश ह्यूमंस अपने ब्रेन में किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते तो वर्ल्ड में किसी भी ह्यूमन को एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने में कितनी आसानी होती। सिंस ये ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम से हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का डेटा हमारे ब्रेन में ऑब्वियसली सेव ज़रूर होता। उसी तरह यदि हम अपनी वेकेशन को जब चाहें तब रिमेम्बर कर पाते तो कितना अच्छा होता, राइट? यदि कोई टेक्नोलॉजी ऐसा कर पाती तो क्या आप किसी कंप्यूटर चिप को अपने ब्रेन में लगाते? इलॉन का कहना है कि ह्यूमंस फ्यूचर में अपनी मेमोरीज को किसी भी स्टोरेज डिवाइस में इंस्टॉल कर सकेंगे जिसे किसी भी रोबोट बॉडी में डाउनलोड किया जा सकेगा। सुनने में ऐसी बातें एक साइफाई मूवी की स्टोरी की तरह लगती हैं, बट रिमेंबर ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति मार्स कॉलोनाइजेशन को रियल करने वाला है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक तरह के कंप्यूटर चिप की हेल्प से इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकेगा, जो इस तरह के ब्रेन मशीन इंटरफेस या फिर BMI जैसे डिवाइस की मदद से किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए इलॉन मस्क ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को फ्यूचर प्लान्स की लिस्ट में ऐड कर रहे हैं ताकि वो अभी के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर सकें जो ह्यूमन सफरिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। हम सभी ने साइंस क्लास में ये तो स्टडी किया है कि ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आईज, ईयर्स, स्किन, नोज या अदर ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करते हैं, और इस तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से ही किसी चीज़ को देखना, सुनना, फील करना या स्मेल करना पॉसिबल है। बट समटाइम्स इस तरह के सिग्नल रिसीव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले वायर्स जैसे कि न्यूरॉन्स कुछ लोगों के ब्रेन में प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, जिस कारण बहुत से लोगों को बहुत से मेडिकल परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। एंड इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए इलॉन की स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर वर्क कर रही है। न्यूरालिंक उन वायर्स को यानी कि न्यूरॉन्स को सर्किट यानी कि ह्यूमन ब्रेन में रीवायर यानी कि अच्छे से कनेक्ट करने का काम करती है ताकि वो लोग जो न्यूरॉन्स और ब्रेन के अच्छे से वर्क ना कर पाने के कारण चल नहीं पाते, अपनी आँखों से देख नहीं पाते या फिर अपने कानों से सुन नहीं पाते, उन सभी लोगों की परेशानियों को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। और साथ ही न्यूरालिंक अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन, इंसोम्निया और अल्जाइमर जैसी परेशानियों से भी इंसानों को आज़ाद करना चाहता है। न्यूरा टेक्नोलॉजी की इस चिप को ब्रेन से कनेक्ट करने के बाद इस चिप को पावर एक सिंगल बैटरी से मिलेगी जो चार्ज करने के बाद 24 आवर्स तक यूजेबल रहेगा। यदि ऐसा है तो इस चिप को रिचार्ज कैसे किया जाएगा? आफ्टर ऑल इस टेक्नोलॉजी को किसी के ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली इस चिप को सर्जिकली किसी के ब्रेन से कनेक्ट किया जाएगा, जिसे बार बार बाहर निकालना और ब्रेन से कनेक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इलॉन के अकॉर्डिंग इस चिप को रिचार्ज करने का एक ऑप्शन है रात को इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले यूजर्स एक नाइट कैप पहनकर सोए, जो यूजर्स के ब्रेन में लगाई गई इस टेक्नोलॉजी को फिर से यूज़ के लिए रिचार्ज कर सके, जो दिखने में शायद ऐसा होगा। हालांकि इस ईयर डेवलप किए गए प्रोटोटाइप 2019 के प्रोटोटाइप से काफ़ी डिफरेंट है, जिसमें पहले एक एक्सटर्नल ईयरपीस का इस्तेमाल किया गया था। वहीं लास्ट ईयर न्यूरालिंक ने ऐसा प्रोटोटाइप रेडी किया जिसमें किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यू प्रोटोटाइप जैसे सिंगल चिप का डिवाइस है जो डायरेक्टली यूजर्स के स्कल में लगाया जाएगा। बट इस टेक्नोलॉजी को किसी भी ब्रेन से कैसे कनेक्ट किया जाएगा? इस चिप से जुड़ी वायर्स या फिर थ्रेड की मदद से इस चिप को यूजर्स के ब्रेन में कनेक्ट किया जाएगा, और ये वायर ह्यूमन हेयर की कंपैरिजन में 10 टाइम्स स्मॉल होंगे, जो इस टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूजर्स के ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सिग्नल्स को रीड करके वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हालांकि इस तरह की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी न्यू नहीं है, बट न्यूरालिंक इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी डिफरेंटली डेवलप कर रहा है, बिकॉज इस तरह की ऑलरेडी मौजूद टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रोड्स की क्वांटिटी की कंपैरिजन में न्यूरालिंक काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल कर रहा है, जो यूजर्स के ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को एक्टिव कर सकेगा एंड सिग्नल्स को ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन मशीन इंटरफेस या फिर BMI में यूटा एरे को बेस्ट माना जाता है, जिसे एपिलेप्सी जैसी कंडीशंस को स्टडी करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूटा एरे में नियरली 100 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि न्यूरालिंक में मोर देन 1000 इलेक्ट्रोड्स यूज किए जा रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी फ्यूचर में भी इंक्रीज की जाएगी। जिसके साथ ही न्यूरालिंक यूटा एरे से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और थिनर थ्रेड से बने इलेक्ट्रोड्स यूज़ करना प्रीफर करता है, जो यूजर्स के ब्रेन से अटैच होने के बाद ब्लड वेसल्स या फिर ब्रेन को किसी भी तरह से डैमेज करने के चांसेस को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। बट अभी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए,
जो इस तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्जरी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना देता है, जिसमें अभी ह्यूमंस को काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अभी न्यूरालिंक ने इस तरह के चिप को ओनली एनिमल्स के ब्रेन से कनेक्ट करने के ट्रायल्स किए हैं, जिसमें अच्छे रिजल्ट के बाद सून फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप किया जाएगा, जिसके बाद ही न्यूरालिंक इंसानों पे भी इस टेक्नोलॉजी की ट्रायल शुरू करेगी। गुड न्यूज़ यह है कि न्यूरालिंक स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी काम कर रही है, जिसे कंप्यूटर की मदद से ठीक किया जाएगा। बट इससे पहले कि इस तरह की टेक्नोलॉजी एक्चुअल में किसी ह्यूमन पर की जाए, न्यूरालिंक को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के FDA डिपार्टमेंट से ऐसे किसी ट्रायल को शुरू करने से पहले अप्रूवल लेनी होगी, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस पर करने से पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सेफ बनाया जा सके। We'll make this as safe as possible. Just as with Tesla, while it is legally possible to ship a one-star car, the only cars we make are five stars. We actually maximize safety and we'll take the same approach here at Neuralink. भले ही कोई भी ऐसी चीजों को पूरी तरह से सेफ बनाने की बातें करे, there is always some signs of chaos. For example, former Neuralink employee ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस टेक्नोलॉजी को समय से ज्यादा पहले ही पूरी तरह से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो साइंस के स्लो पेस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, जिसके कारण कई बार न्यूरालिंक को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। 2019 में इलॉन मस्क ने ये अनाउंस किया था कि 2020 तक न्यूरालिंक अपनी टेक्नोलॉजी की ट्रायल्स इंसानों पर शुरू करने की उम्मीद कर रही है, जो ऑब्वियसली पूरा नहीं हो सका। एंड मे बी फ्यूचर में भी न्यूरालिंक इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सेफ बनाने के लिए यदि और भी टाइम लेती है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और प्रॉब्लम है प्राइवेसी इशूज, जिसके बारे में वर्ल्ड के बहुत से साइंटिस्ट गवर्नमेंट को इसके बारे में ध्यान देने को कहते आए हैं। एज वी नो, वर्ल्ड की सभी टेक कंपनीज यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने से ही अपनी टेक्नोलॉजीज को बेटर बनाते आए हैं, एंड न्यूरालिंक भी ट्रायल्स में डेटा को कलेक्ट करता है, सो दैट न्यूरालिंक नेक्स्ट ट्रायल्स में अपनी टेक्नोलॉजी को भी बेटर बना सके। सिंस ह्यूमंस की प्राइवेसी एनिमल्स की प्राइवेसी से ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरालिंक इंसानों के ब्रेन से जुड़े डेटा को कैसे कलेक्ट करेगा और कैसे सेव रखेगा। जिस तरह इलॉन मस्क अपने टेस्ला कार्स के यूजर्स की सेफ्टी पर इतना ध्यान देते हैं, उतना ही फोकस यदि इलॉन मस्क न्यूरालिंक के यूजर्स की प्राइवेसी और सेफ्टी को सेफ रखने में देंगे, तो शायद इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप करने में मे बी और भी ज़्यादा समय लगे। लेकिन न्यूरालिंक ने इन सभी प्रॉब्लम्स का ऑलरेडी प्लान बना रखा है, सो मे बी न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का वेट करने वालों के लिए वो दिन काफ़ी जल्दी आ सकता है। एटलीस्ट 2 ईयर्स पहले कैलिफोर्निया में मौजूद न्यूरालिंक के हेडक्वार्टर्स में नियरली 100 एम्प्लॉयज काम करते थे, बट नाउ इस नंबर को 100 टाइम्स इंक्रीज करने की प्लानिंग चल रही है, जो SpaceX में काम करने वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। बट क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी पर फोकस क्यों कर रहे हैं? वेल, राइट नाउ एंड फ्यूचर में भी न्यूरालिंक में काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करने पर काम करते रहेंगे। बट इलॉन मस्क हमेशा से ही ये कहते आए हैं कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। सेम जिस तरह टर्मिनेटर और रोबोट मूवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमंस की लाइफ को काफ़ी परेशानी में डाल दिया था, इसलिए ऐसी ही प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए और किसी ऐसे इंसिडेंट को होने से रोकने के लिए इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी को बनाया है, ताकि यदि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि इंसानों से सुपर इंटेलिजेंट बन जाए और यदि AI ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो हमें ऐसी ही प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व करना आना चाहिए, जिसके लिए इलॉन सजेस्ट करते हैं सिम्बायोसिस, जिसमें इंसानों के ब्रेन को AI से कनेक्ट करके एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया जाएगा, जो कि न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का बेसिक वर्किंग मॉडल है, जिसमें ह्यूमन और AI दोनों एक दूसरे को अपने जितना ही इम्पॉर्टेंट कंसिडर करेंगे, ताकि AI कभी भी ह्यूमंस की लाइफ की वैल्यू अपने से कम ना समझे, जिसे AI रिलेटेड मूवीज में काफ़ी अच्छे से समझा जा सकता है। ऐसी ही रिलेशनशिप पानी में देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा रिलेशनशिप मछलियों और मछलियों के घर में देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में एक तरह का एनिमल है, जो कि समुन्द्र में एक दूसरे को सेफ रखने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैसे कि इस प्लांट जैसे दिखने वाले घर में ये मछलियाँ रहती हैं। इन प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स उनमें रहने वाली मछलियों से मिलता है, और बदले में ये प्लांट्स इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों से छिपकर रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह इलॉन मस्क उम्मीद करते हैं कि न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकेंगे। फिलहाल इलॉन बहुत से एस्पायरिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें न्यूरालिंक बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। जैसे कि इलॉन की कंपनी SpaceX, जो प्लैनेट मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए सिटीज बनाना चाहती है। अनदर कंपनी द बोरिंग कंपनी, जो ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स को बिल्ड कर रही है। वहीं न्यूरालिंक हम ह्यूमंस को पूरी तरह से चेंज करने की प्लानिंग कर रही है,
जिसके इस्तेमाल से फ्यूचर में ह्यूमंस जस्ट ह्यूमंस नहीं सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। इन सभी टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट काफी लोगों के लिए फ्यूचर को काफी एक्साइटिंग बना देती हैं। सो यदि फ्यूचर में आपको न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी को यूज करने का चांस मिलता है तो आप इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहेंगे? शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। गिव दिस वीडियो लाइक इफ यू एंजॉयड। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।